केवल दो बंद है ना। राम मंदिर का निर्माण हम सभी का बहुत बड़ा स्वप्न था। इसके लिए हमारे देश में जो भी सामने आए जिन्होंने बहुत संघर्ष किया और अंत में हमारे लिए एक बहुत भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखी गई है, तो इसका फैसला आने से पहले मैंने एक छोटा सा दो बंद बस सुना रहा हूँ, फिर हमको संस्कार भाई को पूरे मन से सुनना है। मैं एक बार जोरदार तालियों से पुनः संस्कार भाई का अभिनंदन करना चाहूँगा। आज के इस कार्यक्रम को बांधे रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। अब कविता की बातें छोड़ो, अब कविता की बातें छोड़ो, मौन मुझे हो जाने दो। क्या बात है। कविता की बातें छोड़ो, मौन मुझे हो जाने दो, अब रख दो ये कलम सिराने, अब तो शस्त्र उठाने दो, अभी नहीं तो कभी न होगा, अभी नहीं तो कभी न होगा, ईट से ईट बजा डालो। आहा। अब तो मेरे राम लला का मंदिर मुझे बनाने दो, अब तो मेरे राम लला का मंदिर मुझे बनाने दो, और जिसने सूरज को चमक, जिसने सारा जगत बनाया, चंदा सूरज को सिर जा, जिसने सारा जगत बनाया, चंदा सूरज को सिर जा, वो ही मेरा राम प्यारा, देखो मंदिर को तरसा। क्या बात है। अब तो रगों में रक्त बहालो, अब तो रगों में रक्त बहालो, सरयू तट प्रस्थान करो, अब कविता की बातें छोड़ो, मौन मुझे हो जाने दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद भैया रुपेश पांडे जी। जिसे राज तिलक से वंचित होने का किंचित संताप न हो, जिसे राज तिलक से वंचित होने का किंचित संताप न हो, तात वचन निभाना ही जो समझे अपना भाग्य हो, कर्तव्य के पथ पे जिसको ना कोई शोर सुनाई दे, सजल नयन से बाह पसारे चाहे माँ ही दुहाई दे, जिसके पग के रज को तिनका तिनका भी शिरोधार्य करे, ऐसे राम के वन गमन को अयोध्या क्यों स्वीकार करे, ऐसे राम के वन गमन को अयोध्या क्यों स्वीकार करे। व्याकुल है जल थल नभचर, सरयू ने गुहार लगाई है, व्याकुल है जल थल नभचर, सरयू ने गुहार लगाई है, हे रघुवर तुमने ये कैसी रघुकुल की रीत चलाई है, राम बनेंगे वन के वासी यह राम का निश्चय है, राम बनेंगे वन के वासी यह राम का निश्चय है, क्या मैं आश्रय दे पाऊंगा वन को भी यह संशय है, क्या मैं आश्रय दे पाऊंगा वन को भी यह संशय है, मैं बीहड़ सघन वन हूं, मैं कोई राज प्रासाद नहीं, पग में कंटक न चुभ जाए मेरे पथ पे युवराज कहीं, ना आओ छोड़ महल को तुम, ना आओ छोड़ महल को तुम, पत्ता पत्ता मनुहार करे, ऐसे राम के वन आगमन को वन ही क्यों स्वीकार करे, ऐसे राम के वन आगमन को वन ही क्यों स्वीकार करे। अब मैं मंच पे सादर आमंत्रित करता हूँ गुरुदेव ब्रजकिशोर पांडे जी को। लगा ले भाई घर जा बेटा, दोस्त मन पे कोई भरोसा नहीं, मुझे पहुंची पहली वीडियो पहुंची सबके मोबाइल चला थे। चलिए एक रचना इसी उसमें एक आखिरी रचना, उसके बाद फिर विदाई है। सुनियो ना, सुनिए ले बेटा सुन। मैं रंग बिरंगा होली जैसा, तुम जगमग दिवाली सी, बहुत सुंदर।
मैं रंग बिरंगा होली जैसा तुम जगमग दिवाली सी। जितना आशिक और रबेली के सुनियो पूरे कहानी कहा था, हर कोई ये हरकत कर चुके हो अपन टाइम। मैं रंग बिरंगा होली जैसा तुम जगमग दिवाली सी, मैं मस्ती बैसाखी का तो तुम गेहूं की बाली सी। मैं तेरा परिचय बन जाता तुम मेरी पहचान सी होती। और ये लाइन ठक ले रखी है मेरे, मैं तेरा परिचय बन जाता तुम मेरी पहचान सी होती, मैं महीना रमजान का होता तुम ईद का चांद सी होती। मैं महीना वाह क्या बात, तुम ईद का चांद सी होती। और सुनिएगा पंक्तियां, एकदम आपकी जिंदगी की पंक्तियां सुना रहा हूं। वो मेरा यूं ही ऐसे ही उस गली में आना जाना, वो मेरा यूं ही ऐसे ही उस गली में आना जाना, गुजरा जब जब तेरे घर से साइकिल की घंटी बजाना। बजाते रहो नहीं द्वारी में जाके, गुजरा जब जब तेरे घर से साइकिल की घंटी बजाना, घंटी की आवाज सुनकर तेरा व्याकुल द्वार पे आना, घंटी की आवाज सुनकर तेरा व्याकुल द्वार पे आना, मुझको तकना कनखियों से और शर्म से पलक झुकाना, मुझको तकना कनखियों से और शर्म से पलक झुकाना। और तुम्हारी छोटी बहन का, और तुम्हारी छोटी बहन का बात बात पे प्रश्न उठाना, यही टूरा है दीदी ये गिरह मका रखे है भैया गए तो खरबत। और तुम्हारी छोटी बहन का बात बात पे प्रश्न उठाना, और तेरी खास सहेली का भी हर खबर तुझ तक पहुंचाना, तेरी खास सहेली का भी हर खबर तुझ तक पहुंचाना, संग सहेली के ट्यूशन जाने के बहाने मिलने आना, संग सहेली के ट्यूशन जाने के बहाने मिलने आना, ध्यान रखना जीजा जी ये कह के उसका वापस जाना। महिलाएं मोर जिम्मेदारी माँ है, ध्यान रखना जीजा जी ये कह के उसका वापस जाना। और देखिए कांड तो अगले दिन होता है, सुनिए ना क्या हुआ। फिर हाथों में हाथ लिए हम जाने कितनी देर बैठे। और मैं भाई अमित चंद्रवंशी जी भैया पात्रे जी का पुनः अभिनंदन करूंगा कि वो जाके फिर से आ गए, उनको काव्य प्रेम वापस ले आया। और मैं माता जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जब तक भाई के हाथ सिर मरे थे तब तक बेटा मल्ल जान मिलते ऊर्जा मिलते, और आपके शुरू से लास्ट तक बैठे हो एक स्थिति हम टिक पाए हैं। अभी बन जा रहे भैया, अमित भैया की बात करत रहे, मन जाके आकाबर नहीं चले जाना था नहीं, वो जानत रही से कि जात का बोला थे बड़ बड़ एला सुने भी तो जाबे नहीं कर, जाबे नहीं कर, सही बात है। तो मैं सीधे सीधे अपनी रचना पे आता हूँ। मैंने कहा था कि मैं चटकारे लेने के काम दूंगा, तो मैं आपको चटकारे लेने का एक मौका देता हूँ। सुनिएगा कि तुम घर आती हो अक्सर मन चाहा मेहमान सी होकर, तुम्हारे गर्लफ्रेंड के सुरता देवा हूँ बोले रहे मैं, सुनियो। तुम घर आती हो अक्सर मन चाहा मेहमान सी होकर, सबसे खुल के बातें करती बस मुझसे अनजान सी होकर। तुम घर आती हो अक्सर मन चाहा मेहमान सी होकर, सबसे खुल के बातें करती बस मुझसे अनजान सी होकर, पर आंख तुम्हारी मुझसे कहती और कहो क्या हाल है, पर आंख तुम्हारी मुझसे कहती और कहो क्या हाल है, बस तुम ही बेचैन नहीं हो इधर भी मचा बवाल है, बस तुम ही बेचैन नहीं हो इधर भी मचा बवाल है, अरे मिलने की कोई जुगत करो कब तक उल्लू सा ताकोगे, मिलने की कोई जुगत करो कब तक उल्लू सा ताकोगे, कोई और उड़ा ले जाएगा पीछे पीछे भागोगे, कोई और उड़ा ले जाएगा फिर पीछे पीछे भागोगे। जाते जाते ठहरी थी तुम बिल्कुल बीच की वाड़ में, जाते जाते ठहरी थी तुम बिल्कुल बीच की वाड़ में, अच्छा तो हम चलते हैं कह गई भाभी की आड़ में, अच्छा तो हम चलते हैं कह गई भाभी की आड़ में। बिल्कुल नहीं, एक ही बात हूँ क्लियर कर दो, घर का कर रही तो अच्छा तो हम चलते हैं कह रही भाभी की आड़ में। फिर शाम ढले तुम छत पे आई, ये मन है पिन कोड पता तक को बता दी लगा तुम्हारा, अरे अब का है बचपन के संगवारी लंगोटिया या रिहल गई थे। फिर शाम ढले तुम छत पे आई, और एक नाम लूंगा चौक जाओगे आप लोग। फिर शाम ढले तुम छत पे आई, पिंकी पड़ोसन साथ में लाई,
देख तो तेरे जीजा है क्या, बोल के मेरा छत दिखलाई। फिर शाम ढले तुम छत पे आई, पिंकी पड़ोसन साथ में लाई। देख तो तेरे जीजा है क्या, बोल के मेरा छत दिखलाई। और मेरे छत पे आते ही तुमने तरकीब निकाला था, पत्थर में लिपटा कागज मेरी ओर उछाला था। जोरदार तालियां। मेरे छत पे आते ही तुमने तरकीब निकाला था, पत्थर में लिपटा कागज मेरी ओर उछाला था। लिखा था कुछ कर लो वरना एक रिश्ता घर में आया है। लिखा था कुछ कर लो वरना एक रिश्ता घर में आया है। लड़का सरकारी बाबू है, माँ बाबा को भाया है। लिखा था कुछ कर लो वरना एक रिश्ता घर में आया है। लड़का सरकारी बाबू है, माँ बाबा को भाया है। फिर भोर भये पनघट समझकर माँ तुम्हारे घर में आई। भोर भये पनघट समझकर माँ तुम्हारे घर में आई। सुनती हो बबलू की अम्मा, लो ना पहले खाओ मिठाई। अरे वाह, अरे बोल अंग्रेजी मिठा। सुनती हो बबलू की अम्मा, लो ना पहले खाओ मिठाई। भाई भाई भाई। लोना पहले खाओ मिठाई। ए मां कोई सेटिंग नहीं। नहीं हमार पर सेटिंग का आत्र आवे, मां सेटिंग नहीं दिखते। और सुनिए फिर, कम्मो का रिश्ता तय हुआ है, अपन वाली के नाम कम्मो का रिश्ता तय हुआ है। मेरी खुशी का नहीं ठिकाना है, आपकी तो बेटी जैसी है, शादी में हाथ बटाना है। सुनिएगा, आपकी तो बेटी जैसी है, शादी में हाथ बटाना है। फिर बजे थे तासे ढोल नंगारे, पी के बराती आए द्वारे। बजे थे तासे ढोल नंगारे, पी के बराती आए द्वारे। और अच्छा पड़ोसी होने के नाते हमने ही सबके पांव पखारे। अच्छा पड़ोसी होने के नाते हमने ही सबके पांव पखारे। और बराती कुड़ियों पे भौरा मन मंडराया था। हर आशिक देवदास नहीं हुआ, ठीक है ना? और तय नहीं तो कोई और सही। और बराती कुड़ियों पे भौरा मन मंडराया था, तेरी सगी ननंद पे ही आशिक का दिल आया था। तेरी सगी ननंद पे ही आशिक का दिल आया था। चंचल चारु नयन थे उसके, हिरनी जैसी चाल थी। सुनना भाई, चंचल चारु नयन थे उसके, हिरनी जैसी चाल थी। सच कहूं तो ननन तुम्हारी तुमसे ज्यादा माल थी। चंचल चारु नयन थे उसके, हिरनी जैसी चाल थी। सच कहूं तो ननन तुम्हारी तुमसे ज्यादा माल थी। फिर पूरी रात हमने भी मंडप में डेरा डाला था। फिर पूरी रात हमने भी मंडप में डेरा डाला था। दोनों ने एक दूजे को जम के देखा भाला था। दोनों ने एक दूजे को जम के देखा भाला था। और फिर तुझको मैंने विदा किया था, तुझको मैंने विदा किया था, तेरी ननंद का खौफ संजो कर। तुझको मैंने विदा किया था, तेरी ननन का खाप संजो कर। अब ससुराल तुम्हारे आना है, पड़ोसी भाई जान सो कर। अब ससुराल तुम्हारे आना है, पड़ोसी भाई जान सो कर। जबरदस्त, बहुत सुंदर। इसी ओरिजिनल है, धन काल्पनिक है। काबर ओरिजिनल होनी तो वीडियो ला घर तक के पहुंचा सकत है ना। ये सत्य घटना पर आधारित है।